तो लास्ट क्लास वी डिड टिल हियर, हम लोगों ने स्टूडेंट सी डिस्ट्रीब्यूशन समझा था. ठीक है. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लो पहले, उससे क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं. सो एग्जाम्पल में ले लो, लेट्स टेक स्टैंडर्ड डिविएशन. सो बेसिकली वी आर चेकिंग वेदर द एक्सेस रिटर्न फ्रॉम आर पोर्टफोलियो इज डिफरेंट देन जीरो और नॉट. बेसिकली देर इज एनी काइंड ऑफ एक्सेस रिटर्न और नॉट. ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन एज 16.5%. ठीक है, सैम्पल साइज ले लो 68 एंड न्यू हैट. बेसिकली दिस इज द एवरेज एक्सेस रिटर्न विच यू हैव अर्न एज दिस. नाउ योर नल हाइपोथेसिस इज म्यू या म्यू हैट इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज म्यू नॉट इक्वल टू जीरो. इसको कैसे करेंगे? लेट्स डू दिस. फर्स्ट वील हैव टू फाइंड व्हाट? फर्स्ट वील फाइंड टेस्ट स्टेटिस्टिक्स. हाँ, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे. फर्स्ट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या होगा? म्यू हैट माइनस म्यू बाय, सिंस यू हैव सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, या फिर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करते हैं बिकॉज स्टैंड टी डिस्ट्रीब्यूशन का लेट्स सपोज क्रिटिकल वैल्यूज हम लोग को नहीं पता. सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन रूट एन, है ना? यही फॉर्मूला होता है, देख लो. सो 7.62 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 16.5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 68. इससे क्या आंसर आ रहा है बताओ? दैट विल बी द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स एंड देन यू कंपेयर द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स विद द क्रिटिकल वैल्यू. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वील टेक 5%. सो इसके बाद टेल मी क्रिटिकल वैल्यू. मैंने लास्ट क्लास दिखवाया था क्रिटिकल वैल्यू. टू साइडेड टेस्ट होगा क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज नॉट इक्वल टू. इसका आंसर क्या होगा? क्या है बताओ? टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या आ रहा है? 3.8083. करेक्ट, 3.8 आ रहे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स. देन यू नीड टू कंपेयर दिस विद द क्रिटिकल वैल्यू 5% एंड टू साइडेड है, 2.5 2.5. मैंने लास्ट क्लास दिखवाया था, क्या होगा बताओ? प्लस माइनस. एक्चुअली कॉपी वो गलत है मेरे पास, सॉरी. प्लस माइनस 1.96 लिखवाया था मैंने, देख लो. 5% पे इट वॉज प्लस माइनस 1.96. सो इसको हम लोग करेंगे प्लस माइनस 1.96. सो इट इज इन द रिजेक्शन रीजन. इफ यू मेक इट थ्रू अ ग्राफ, ये आपका क्रिटिकल वैल्यू है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, ये आपका 1.96 है. सो योर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज योर, इट्स इन द रिजेक्शन रीजन 3.8. सो यू हैव सफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड यू विल से दैट व्हाट द एवरेज एक्सेस रिटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो बिकॉज नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाला चीज पास होगा. सो वी हैव
सफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट, लिख लो, टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, एंड हेंस यू से दैट एक्सिस रिटर्न इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम जीरो. ऑल राइट, नाउ वी हैव डन टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर. सो इफ यू रिमेम्बर, टाइप वन एरर वॉज वॉट, वेन यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस वेन इट इज ट्रू, दिस इज योर टाइप वन एरर. टाइप टू एरर वॉज यू आर फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस वेन इट इज फॉल्स. ठीक है, पावर ऑफ टेस्ट इज 1 माइनस बीटा. बीटा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस वेन इट इज फॉल्स. ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास ऑलरेडी कर लिया था. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड इज द इफेक्ट ऑफ द टेस्ट साइज एंड द पॉपुलेशन मीन ऑन द पावर ऑफ टेस्ट. सो बेसिकली पावर ऑफ टेस्ट इज व्हाट? पावर ऑफ टेस्ट इज 1 माइनस बीटा. व्हाट इज 1 माइनस बीटा? यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, राइट? सो यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स. इसको आपको क्या करना है? यू नीड टू मैक्सिमाइज दिस, यू नीड टू इंक्रीज दिस. दैट इज हाउ योर लेवल ऑफ टेस्ट, योर लेवल ऑफ एक्यूरेसी इंक्रीजेस. नाउ वी विल सी हाउ टेस्ट साइज, विच इज बेसिकली द सिग्निफिकेंस लेवल, हाउ द सिग्निफिकेंस लेवल विल इम्पैक्ट दिस प्रोबेबिलिटी एंड हाउ द मीन विल इम्पैक्ट दिस प्रोबेबिलिटी. सो कुछ है नहीं इसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लोग को एमसीक्यूज आएंगे. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट इफ योर अल्फा और टेस्ट साइज और योर अल्फा इफ दिस इंक्रीजेस, ठीक है, दिस फॉर एग्जाम्पल 5% से आप 10% पे जाते हो, सो योर क्रिटिकल वैल्यूज क्या होते हैं? बिगर, प्लस माइनस 10% पे क्या है? प्लस माइनस 2.56 कुछ ऐसा आता है. सो करेक्ट, सो यू हैव अ लार्जर रिजेक्शन रीजन, राइट? यू हैव अ लार्जर रिजेक्शन रीजन. ये देख लो यहाँ पे, तो पावर ऑफ टेस्ट ज्यादा हो जाएगा, सही हो जाएगा. नहीं, गलत. तो यहाँ पे वी हैव 5% एंड 5% काटा एट 10%. सो योर रिजेक्शन रीजन सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस. बट यही अगर आपका 2.5 होता, लेट्स सपोज ऐसा होता, सो दिस इज योर रिजेक्शन रीजन इन दैट केस, है ना? तो योर रिजेक्शन रीजन इंक्रीजेस इफ योर टेस्ट साइज इंक्रीजेस, योर क्रिटिकल वैल्यू इंक्रीजेस, एंड सो द रिजेक्शन रीजन इंक्रीजेस. सो वेन यू हैव स्मॉलर क्रिटिकल वैल्यूज, मीनिंग वेन यू हैव दिस 1.96 है, ये 2.53 है, सो वेन यू हैव स्मॉलर क्रिटिकल वैल्यूज इट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉट? दैट द सैम्पल मीन विल फॉल इन द रिजेक्शन रीजन, एंड सो बेसिकली इट इंक्रीजेस द पावर ऑफ टेस्ट विच इज फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस वेन इट इज फॉल्स, या रिजेक्टिंग, सॉरी, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस वेन इट इज फॉल्स. इट्स वेरी बेसिक. अगर हम लोग समझे, अगर आपका क्रिटिकल वैल्यू दिस पोर्शन, इफ दिस रीजन, रिजेक्शन रीजन डिक्रीजेस, तो आपका प्रोबेबिलिटी टू रिजेक्ट विल ऑल्सो डिक्रीज ना. ठीक है, सो दिस इज वॉट दे आर सेइंग, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग विल डिक्रीज. अगेन आई विल से दिस थिंग इज नॉट वेरी मच, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है हाउ दिस विल इम्पैक्ट योर टेस्ट पार, हाउ दिस विल इम्पैक्ट योर type 1 error. For example, they are saying that large test sizes increases the probability of committing type 1 error. Basically, what is type 1 error? You are rejecting the null hypothesis. Again, same logic. This is your rejection region. 5% ke, 10% ke case mein, this is your blue wala se jo maine mark kara hai, is your rejection region, right? So, if this rejection region increases, you will be rejecting null hypothesis more now, because it is more likely that your test statistics is falling in this region, and you are rejecting it even when it is true. So your, if your test size is higher, your probability of type 1 error, committing type 1 error will also go down, go up. Type 1 error kya hota hai? Aap reject kar rahe ho null hypothesis when it, even when it is true.
अगर वो रिजेक्शन रीजन में लाई कर रहा है, यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इवन दो इट इज ट्रू. व्हाई? बिकॉज योर रिजेक्शन रीजन हैज गॉन अप. दिस इज वॉट यू आर सेइंग अर्लियर, दैट एज योर लेवल टेस्ट साइज इंक्रीजेस, कॉन्फिडेंस लेवल गोज डाउन. इन केस ऑफ 10% वी आर 90% कॉन्फिडेंस, इन केस ऑफ 5% सिग्निफिकेंस वी आर 95%. सो लेस द सिग्निफिकेंस लेवल, मोर कॉन्फिडेंट यू आर, बिकॉज इन दैट केस योर टाइप वन एरर गोज डाउन. ठीक है? सो दिस इज वॉट दे आर सेइंग, दैट द टेस्ट साइज विल ऑल्सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप वन एरर एंड टाइप टू एरर. Type 2 error will go down, type 1 error will go up. And if type 2 error is going up, so aapka 1 minus beta is actually going down. So ye pura cheez inhone samjhaya hai. So basically it's small sizes. I'll again just repeat. If your test size, which is your alpha, if this is small, theek hai, it reduces ulta. करेक्ट. टाइप मतलब रिड्यूसेस, मतलब रिजेक्शन रीजन, आर आर रिजेक्शन रीजन छोटा हो जाएगा. सो इफ योर रिजेक्शन रीजन इज नैरोअर, योर टाइप वन एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप वन एरर विल गो डाउन. ठीक है? बट इन दिस केस टाइप टू एरर विल इंक्रीज, विच इज फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स. तो देर इज अ ट्रेड ऑफ विच यू हैव टू सी कि आपको क्या करना है, किसको आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है. देर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ. ठीक है? दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. अंडरस्टूड? आफ्टर दिस वी विल मूव टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही रिलेटेड पार्ट है. वी विल स्टडी अबाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल. सो दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल इज बेसिकली, जब हम लोग बोलते हैं ना 5% सिग्निफिकेंस लेवल और टेस्ट साइज 10% टेस्ट साइज, उसके लिए उसी के लिए हम लोग बोलते हैं ना 90% कॉन्फिडेंट है या वी आर 95% कॉन्फिडेंट. सो दैट कॉन्फिडेंस इज बेसिकली, दैट कॉन्फिडेंस इज बेसिकली यूजिंग विच वी कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल. सो यू ऑल कैन राइट राइट दिस डाउन. कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ रेंज ऑफ पैरामीटर्स. It is a range of parameters that complements the rejection region. Complements the rejection region का मतलब है, when I am saying 95% confidence interval, it contains a set of values, it contains a range of values. It contains a range of parameter values where you cannot reject the null hypothesis. Got it? So we are generally 1 minus alpha, hum log lete hain confidence interval when your test size is alpha. So if your values are falling between this range of parameters, then we say that you have insufficient evidence to reject the null hypothesis. So you cannot reject the null hypothesis if the parameter values are falling between this. Easiest way to calculate this, jo hum log two-sided test, hum log teenon ka pad lete hain, two-sided, one-sided and left and right side ka kya hota hai. So in case of when it is a two-sided test, your confidence interval will look like something like this, mu hat plus minus, and then you have this critical value. Critical value ke liye maine C alpha likh diya hai. C alpha denotes my critical value, multiplied by sigma divided by root n. Theek hai? This is the critical value. Ab ye same हम लोग वो जो एग्जाम्पल लिया था, हम लोग वो करेंगे, इसमें डालेंगे. बट वन साइडेड का लिख लो क्या होता है. वन साइडेड का भी कॉपी कर लो.
सो वन साइडेड के केस में वी हैव टू थिंग्स, वन इज ग्रेटर दैन एंड वन इज लेस दैन. सो व्हेन वी आर सेइंग दैट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज म्यू ग्रेटर दैन जीरो, सो ग्रेटर दैन टेस्ट है बेसिकली. ग्रेटर दैन टेस्ट के केस में हम लोग का ऐसा होता है, म्यू हैट माइनस होता है सी अल्फा इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन कॉमा इंफिनिटी. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, यहां पे भी आपको टू वैल्यूज मिलेंगे ना, प्लस माइनस है तो आपको दो वैल्यूज मिल रहे हैं, रेंज ऑफ वैल्यूज, राइट? टू वैल्यूज, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वी कॉल दिस एज व्हेन यू गेट लोअर लिमिट अपर लिमिट. ठीक है, सो लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ पे व्हेन इट इज ग्रेटर देन टेस्ट यू गेट इंफिनिटी एज द अपर लिमिट व्हिच इज बाय डिफॉल्ट एंड दिस इज योर लोअर लिमिट. एंड व्हेन इट इज अ लेस देन टेस्ट दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. न्यू नहीं सॉरी, माइनस इंफिनिटी न्यू हैट प्लस सी अल्फा इनटू सिग्मा बाय दिस थिंग. ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेके करते हैं तो क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल ओनली. माई एग्जाम्पल वेयर म्यू हैट वॉज आई थिंक हाउ मच, सेवन, म्यू हैट वॉज 7.62, सिग्मा वॉज स्टैंडर्ड डिविएशन वॉज 16.5, एन वॉज 68. सो फर्स्ट थिंग टेस्ट फॉर लेट्स सपोज योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथिस नल हाइपोथिसिस इज म्यू इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, लेट्स टेक द फर्स्ट केस वेयर वी आर सेइंग दैट म्यू नल हाइपोथिसिस इज म्यू नॉट इक्वल टू जीरो. सो दिस इज अ टू साइडेड टेस्ट. इन केस ऑफ टू साइडेड टेस्ट हमने ऊपर में क्या किया था, वी टुक आउट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स म्यू हैट म्यू माइनस म्यू हैट या म्यू हैट माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट एन. वो हमारा 3.8 आ रहा था विच वॉज इन द रिजेक्शन रीजन, सो वी वर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस. दैट वॉज यूजिंग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्रोच. वी आर नाउ यूजिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच. नाउ वी विल सी हाउ कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच शुड, ऑब्वियसली आप जो भी अप्रोच यूज करो योर आंसर शुड मैच फॉर ऑल, राइट? सो वो देखेंगे कि आंसर हमारे मैच हो रहे हैं कि नहीं. तो अब इसके लिए आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल टू साइडेड है तो टू साइडेड का मैंने क्या लिखा है, म्यू हैट 7.62 प्लस माइनस मैंने लिखा है ना, तो माइनस पहले ले लो. क्रिटिकल वैल्यू क्या होगा, 5% का टू साइडेड क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है, 5% का माइनस 1.96 एंड प्लस 1.96 होता है टू साइडेड टेस्ट में. तो इधर आ जाएगा 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 16.5 डिवाइडेड बाय रूट 68 7.62 प्लस 1.96 इंटू 16.5 डिवाइडेड बाय रूट 68. ठीक है, सो दिस इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%. 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये याद रखना. यहाँ पे आप लोग एक चेंज कर लो, आके अल्फा बाय टू कर दो इसको, प्लस माइनस अल्फा बाय टू डिवाइडेड अल्फा बाय टू, क्योंकि 2.5% एंड 2.5% वाला हम कट करते हैं, है ना? हम 2.5% एंड 2.5% कट करते हैं दोनों तरफ. दिस इज 2.5% एंड 2.5% वाला वैल्यू. टेल मी द आंसर, इसको कैलकुलेट करके बताओ व्हाट विल बी द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दैट यू विल गेट.
पहला वाला 13.287। पहला वाला कैसे माइनस है, यहाँ पे 7.62 से कम आएगा ना, डिवाइडेड बाय √68 है, यानी 16.5 है, 7.62 से कम आना चाहिए। लास्ट ट्राई 3.69। करेक्ट, 3.69। एंड दिस, ये एक काम करो, इजी वे इज टू कैलकुलेट दिस फर्स्ट, है ना, जस्ट दिस पार्ट। तो क्या होगा, माइनस प्लस, हाँ एक बार माइनस एक बार प्लस करना। दिस इज गिविंग यू 11.54। अब देखो, इसको इसका लॉजिक समझना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नाउ दिस इज द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। नाउ व्हाट डू यू मीन ऑफ म्यू हैट, व्हाट डू यू मीन बाय 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू हैट, यहाँ पे इज दैट व्हाट एवर वैल्यूज ऑफ म्यू हैट इज बिटवीन दिस दिस रेंज, यू विल नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ इट इज बिटवीन दिस। सो माई नल हाइपोथेसिस इज दैट म्यू इज इक्वल टू जीरो। सो इफ जीरो, ठीक है, ये जो आपका म्यू का वैल्यू है, इफ दिस जीरो इज विद इन दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल, देन यू आर नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। बट क्या आपको जीरो दिख रहा है इसमें? नहीं, देन वी रिजेक्ट द नल करेक्ट। सो हाइपोथेसिस। दिस डज नॉट कंटेन वैल्यू जीरो, देयरफॉर यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस एंड यू आर सेइंग दैट योर म्यू और मीन एक्सेस रिटर्न और म्यू हैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज अनदर वे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्रोच में क्या होता है, यू फाइंड द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड यू चेक वेदर इट्स इन रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन, यू कंपेयर इट विद द क्रिटिकल वैल्यू। यहाँ पे यू फाइंड दैट रेंज ऑफ वैल्यूज। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज, ये जो आपका बनता है ना डायग्राम, तो यहाँ आप क्या करते हो, यू फाइंड, ये जो आपका क्रिटिकल वैल्यू है, इस तरफ में 2.5% है, इस तरफ में 2.5% है, दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू राइट, 1.96 माइनस 1.96 एंड 1.96, तो इसके बीच में अगर लाई कर रहे हो, यू एक्सेप्ट इट। दिस इज स्टैंडर्डाइज करके आप निकालते हो। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप कैसे निकाल रहे हो, म्यू हैट माइनस म्यू हैट माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब वो स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं ना, तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन, आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर रहे हो, है ना। वन सेकेंड, इज माई स्क्रीन नॉट विजिबल? It is. नहीं, आई मेड अ ग्राफ, आई थिंक दैट इज नॉट समहाउ विजिबल, क्या? The Saturn orbit का ग्राफ। हाँ, इज इट विजिबल, इज दिस ग्राफ विजिबल? हाँ ठीक है, आई थिंक मेरे एंड से थोड़ा इशू है। ओके, सो ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, ये हमने क्या किया, एक सेकेंड, मेरे स्क्रीन मेरा दिख रहा है क्या? हाँ ये जो 2.5 का ग्राफ बना है ना, माइनस वन हाँ पॉइंट हाँ नाइन इट्स, सिक्स हाँ ठीक है, ओके। सो बेसिकली अगर मैं बोल रही हूँ इसके बीच में आपका लाई करेगा, तो आप बोलोगे कि आपका, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, एक बार हूँ,
ठीक है। सो इस रीजन में अगर लाई करेगा तो आप एक्सेप्ट करोगे। सिमिलरली यहाँ पे आपने स्टैंडर्डाइज नहीं करा है, यू जस्ट फाइंडिंग द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ न्यू फॉर विच यू विल से दैट योर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज फॉर ऑल द वैल्यूज विच इज आउटसाइड दिस रेंज यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो यहाँ पे जीरो इज नॉट देयर, सो वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब हम लोग दूसरा टेस्ट करते हैं, लाइक सेम इस पे बट ऑल्टरनेटिव। वन साइडेड ले लो, म्यू ग्रेटर देन जीरो ले लो। ग्रेटर देन जीरो का मैंने ऊपर में कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या लिखवाया है, म्यू हैट -1.96, विच नहीं 1.96 नहीं लेंगे इधर, ये कैच है हमारा, म्यू हैट -C α लिखा है। यहाँ मैंने क्या किया था, C α/2 विच इज 2.5% दोनों तरफ में कट होता है, यहाँ 5% कट होगा। डू यू रिमेम्बर 5% वैल्यू क्या होता है, इंटू सिग्मा बाय √10 कॉमा इंफिनिटी। तो दिस इज योर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्या होगा बताओ। म्यू हैट विल बी 7. कितना है, 62। व्हाट इज दिस क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू क्या होगा, 10% का आएगा। 10% का नहीं आएगा, 5% का ही आएगा। 10% क्यों अच्छा आएगा, सॉरी, ये तो 1.9 के आप क्रिटिकल का था। ठीक एक साइड 5% कट करोगे, दिस है वैल्यू, ठीक दिस इज फाइव है, परसेंट हाँ ठीक हाँ तो बताओ है। तो मेरे पास तो कॉपी नहीं जिसमें वैल्यू है। 2.56 होता है एग्जैक्टली, मैं बता देती हूँ, इट इज सी टू सॉरी हाँ 5%, 1.64 होता है, सॉरी 1.64 होता है, ठीक है। सो 1.65645 होता है दोनों तरफ, जब 5% आप कट करते हो, 1.6455 इंटू 16.5 बाय √68 कॉमा इंफिनिटी, ये निकालो बताओ क्या आ रहा है आंसर। .3285 4.32 कॉमा इंफिनिटी, ये भी रिजेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे रिजेक्ट होने का क्या मीनिंग निकल रहा है, दिस डज नॉट कंटेन द वैल्यू जीरो, यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, मीनिंग व्हाट आर यू एक्सेप्टिंग, अच्छा नहीं, ग्रेटर ग्रेटर है, सॉरी उससे ग्रेटर है। मीन एक्सेस रिटर्न इज ग्रेटर देन ठीक जीरो, ठीक है, है, अंडरस्टूड। हाँ तो फिर लेसर में फिर वो -∞ आएगा तो 0 उसमें बीच में आ जाएगा वो फुली, करेक्ट, तब तो उस केस जैसे में क्या होगा ना, आप यूजुअली देखो वन साइडेड टेस्ट में वो वाला करवाऊंगी ही नहीं, बिकॉज इट विल नॉट मेक एनी सेंस। वंस यू आर शोइंग दैट म्यू इज ग्रेटर देन जीरो, यू विल नॉट शो म्यू इज लेस देन जीरो, एंड यहाँ पे व्हाट आर यू प्रूविंग, दैट द पोर्टफोलियो विच आई हैव मेड, द एक्सेस रिटर्न विच माई पोर्टफोलियो, मीन एक्सेस रिटर्न विच माई पोर्टफोलियो इज अर्निंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट? व्हाट इज एक्सेस रिटर्न, माई पोर्टफोलियो इज रिटर्न माइनस निफ्टीज रिटर्न, इंडेक्स का रिटर्न, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, अदरवाइज आई विल यू इन्वेस्ट इन मी। सो दिस इज नाउ, इसीलिए मैं लेस देन वाला नहीं करवा रही हूँ, लेस देन वाला विल बी माइनस इन्फिनिटी कॉमा म्यू हैट प्लस, एंड वो बस याद रखना क्रिटिकल वैल्यू कौन सा लेते हैं, व्हेन इट्स अ वन साइडेड टेस्ट यू ऑलवेज टेक 5% कटता है, अदरवाइज इट्स 2.5 2.5, गॉट इट, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाओ,
सो दिस वॉज द सेकेंड अप्रोच. एक था टेस्ट स्टेटिस्टिक्स अप्रोच, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और एक हम लोग करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल का अप्रोच. नेक्स्ट अप्रोच जो हम लोग देखते हैं विच इज फाइंडिंग द पी वैल्यू, विच इज प्रोबेबिलिटी वैल्यू, और पी वैल्यू इज कॉमनली दैट वी कॉल इट एज पी वैल्यू ऑफ अ टेस्ट. नाउ वॉट हैपन्स इन अ पी वैल्यू, इसको मैं डायग्राम से हमेशा समझाती हूँ, बिकॉज यू नो थ्योरी से इजी होता है, आप अगर डायग्राम से कुछ समझो. ठीक है, तो लाइक सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल. हम लोग के सिलेबस में इट इज दिस ओनली, वी डोंट हैव मेनी, बहुत सारे टेस्ट होते हैं हम लोग के सिलेबस में, इट्स नॉट देयर. तो इसका ना मैं क्रिटिकल वैल्यू, लेट्स से सपोज टू साइडेड टेस्ट में समझा रही हूँ आपको. सो 1 -1.96, 1.96, दिस वॉज द क्रिटिकल वैल्यू, दिस वॉज 2.5% दिस रीजन, ठीक है, दिस रीजन इज अगेन 2.5%. ठीक है, नाउ आई विल टेक आउट द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स राइट दैट वी डिड. फॉर एग्जाम्पल योर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज ओवर हियर, ठीक है, क्लियरली वी कैन सी दैट इट्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन, बट फॉर एग्जाम्पल आपको क्रिटिकल वैल्यू नहीं पता, तो हम पी वैल्यू निकालेंगे. क्या होता है पी वैल्यू? इट्स बेसिकली दिस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज ग्रेटर देन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. नाउ द थिंग इज, ये जो ग्रेटर देन आएगा, लेट्स से सपोज दिस इज कमिंग एज 3%, ठीक है, ऑब्वियसली इट विल बी मोर देन 2.5, है ना. अगर दिस पोर्शन इज 2.5, इफ दिस पोर्शन इज 2.5, ऑब्वियसली दिस पोर्शन हैज टू बी ग्रेटर देन 2.5, राइट. सो लेट्स सपोज इट्स 3%, सो यू विल, सिंस इट्स अ टू साइडेड टेस्ट, वी मल्टीप्लाई दिस बाई टू, एंड दिस इज वॉट यू कॉल इट एज पी वैल्यू. इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 5%, देन यू हैव इनसफिशियंट एविडेंस टू रिजेक्ट नल, मीनिंग यू आर नॉट रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस. गॉट इट? ग्रेटर देन 5 × 2 कर रहे हैं, विच इज 6% आएगा. सो 6% इज ग्रेटर देन 5%, मतलब वो एक्सेप्टेंस रीजन में है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारा. सो अगेन, सो देर आर थ्री अप्रोचेस, यू कैन डू इट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यू कंपेयर इट विद क्रिटिकल वैल्यूज, यू कैन फाइंड आउट कॉन्फिडेंस इंटरवल, और यू कैन डू इट यूजिंग द पी वैल्यू. गॉट इट? ठीक है, सो अभी हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, एंड अगर वन साइडेड टेस्ट है, सो दिस इज योर टू साइडेड टेस्ट. लेट्स अंडरस्टैंड फॉर वन साइडेड टेस्ट ऑल्सो. वन साइडेड टेस्ट में आप लेट्स सपोज ग्रेटर देन टेस्ट देख रहे हो, सो दिस इज द 5% लेवल विच इज 1.64, ठीक है. तो इफ यू आर चेकिंग एट 1.64%, ऑल राइट, तो आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स नाउ इन दिस केस लेट्स सपोज इज कमिंग एज ओवर हियर, ठीक है, यहाँ आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है. सिंस दिस इज ग्रेटर, लेट्स सपोज दिस इज योर 6% वैल्यू, ऑब्वियसली इट हैज टू बी, अगर इतना 5% है तो उतना 6% हो गया, समथिंग ग्रेटर देन दैट. इफ दिस इज योर 5%, देन दिस हैज टू बी योर 6%, ठीक है. तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इन दिस केस वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन जेड ग्रेटर देन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, बट मल्टीप्लाई बाय टू नहीं करेंगे, आप इसको स्ट्रेट अवे कंपेयर करोगे विद द पी वैल्यू, ठीक है, विद बेसिकली द सिग्निफिकेंस लेवल. इफ इट इज ग्रेटर देन 5%, देन यू आर फेलिंग टू रिजेक्ट नल, एंड इफ इट इज अ लेस देन टेस्ट, तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन टी. Why am I writing Z? Because it's a standard normal. Standard normal में Z लिखते हैं. Less than test statistics. Again, this is the p-value, and this has to be greater than 5%, which leads to failing to reject null.
गॉट इट? एक सेकेंड यार, अभी बैक इन अ सेकेंड। हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया हम लोग उसमें करेंगे। सबसे पहले इसको कॉपी कर लो पूरी चीज को। ठीक अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो वही सेम एग्जाम्पल। ऊपर में इस एग्जाम्पल में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कितना आ रहा था? 3 पॉइंट। है, 3.698 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। पावर ऑफ टेस्ट है 3.8। 3.8 करेक्ट। सो वी वर गेटिंग अ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफ 3.8। नाउ लेट्स सपोज अगेन टू अप्रोचेस। लेट्स सपोज फर्स्ट वी आर डूइंग नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो इट्स अ टू साइडेड टेस्ट। इन टू साइडेड टेस्ट वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इनटू 2, मीनिंग प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन 3.8 इनटू। Now these values are not given to you. Usually they will give it to you in exam. So now इसका way of writing देखो क्या होता है। They will give you this thing in exam. They will give you this thing in exam. What do you mean by this? 0 to 3.8 is this Not zero, minus infinity, probability less minus than, seven like n two? probability गलत, probability z less than 3.8 दिया हुआ है। ये जो बोलते हैं इसको फाई बोलते -1 हैं, इसको फाई बोलते हैं, करेक्ट। तो हम लोग को ग्रेटर देन निकालना है तो -1 करेंगे। 1 -0.9993 इनटू 2। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दो तीन वैल्यूज दे देंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। सो दिस इज कमिंग एज 0.0014। दिस इज वॉट? दिस इज लेस देन, वे लेस देन 5%। सो यू आर देयरफॉर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। लेस देन 5% है ना, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे। इफ सेम थिंग आई वुड हैव आस्क्ड यू टू डू फॉर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन 0, इन दैट केस यू विल जस्ट डू प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड यू कंपेयर डायरेक्टली विद द 5%। अगेन यू आर गेटिंग दिस एज 0.0007। फोर जीरोज है। अगेन दिस इज लेस देन 5% एंड सो यू आर रिजेक्टिंग null hypothesis and you are saying it is greater than 0. So no matter whatever way you are doing, using hypothesis, using tested confidence interval, using p value, no matter whatever you are using, you will also always get this answer. Now एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे टू साइडेड में ना कभी कभी आई हैव सीन कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। सो टू साइडेड में क्या कंफ्यूजन होता है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन करके इंटू टू किया है। मैंने ग्रेटर देन करके इंटू टू किया है,
वन साइडेड टेस्ट में ग्रेटर देन है लेस देन है, इफ इट्स अ ग्रेटर देन टेस्ट लेस देन, बट टू साइडेड में तो नॉट इक्वल टू रहता है. सो व्हाई हैव आई डन ग्रेटर देन? सी दैट इज अगेन बेसिकली यहाँ पे ग्रेटर देन जब करते हैं यहाँ पे वी यूज मॉड ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, आप ऐसे बोल सकते हो. सो इफ यू आर सपोज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आता -3.8 तो आप क्या तो करते हैं? फैस 3.8 हो करेक्ट, या तो आप लेस देन -3.8 करते जाएगा, तो वो एंड में इफेक्ट हो विच जाता है. इज एक्चुअली सेम एज दिस, दीज टू आर सेम, येस और नो? क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो -3.8 से कम या 3.8 से ज्यादा इज सेम. सो इसीलिए हम लोग मॉड ले लेते हैं टू इजीली अंडरस्टैंड. एंड आपके एग्जाम में ना आपको ये गिवन रहेगा, सो आप लोग ये लिख के रखो. बेसिकली आपको फाई ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, फाई ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी जेड इक्वल लेस देन इक्वल्स टू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये गिवन रहेगा. जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया ना क्वेश्चन में 5 ऑफ 3.8, वैसे ही आपको 5 ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स गिवन रहेगा एग्जाम में. आपको ये निकालना है, ठीक है? तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अप्रोच है, पी वैल्यू अप्रोच है, एकदम सिंपल. अगेन समथिंग विच दे आस्क, पी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 5% इन ऑर्डर टू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. इफ इट इज लेस देन 5 यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. तो लाइक कि ठीक 5 है, के अलावा भी जो वैल्यूज 10% वो जो भी बोलेंगे एग्जाम में, अगर आपको सिग्निफिकेंस 10% बोल रहे हैं, 1% बोल रहे हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली करना है. नाउ लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर विल बी टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ टू मीन्स. सो बेसिकली यहाँ क्या करते हैं, आपको चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पोर्टफोलियो एंड यू हैव अ पोर्टफोलियो, आई वॉन्ट टू चेक एवरेज रिटर्न फ्रॉम माई पोर्टफोलियो इज सेम एज टू एवरेज रिटर्न फ्रॉम योर पोर्टफोलियो. सो दो वेरिएबल्स हो गए, आपका पोर्टफोलियो मेरा पोर्टफोलियो, आई वॉन्ट टू कंपेयर द एवरेज रिटर्न फ्रॉम बोथ. ठीक है, लेट्स सपोज माई पोर्टफोलियो इज एक्स, योर पोर्टफोलियो इज वाई. सो वॉट इज द नल हाइपोथिसिस दैट वी आर मॉडलिंग ओवर हियर? म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई, यस करेक्ट? म्यू एक्स इज द मीन रिटर्न ऑन माई पोर्टफोलियो, म्यू वाई इज द मीन रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो. नाउ इसका बेसिकली ना इसको निकालने का तरीका अलग अलग हम लोग कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं. लेट्स सपोज हम लोग बोल रहे हैं जेड इज अनदर थर्ड वेरिएबल दैट वी आर मेकिंग. ठीक है, जेड आई इज एक्स आई माइनस वाई आई. तो इस केस में आपका नल हाइपोथिसिस क्या बन जाता है? म्यू एक्स माइनस म्यू वाई इक्वल्स टू जीरो, सेम थिंग. और म्यू जेड इज इक्वल टू जीरो, सेम थिंग. अगर आप इसको जीरो कर रहे हो, बेसिकली आप क्या बोल रहे हो? एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो. तो आप आइडियली क्या बोल रहे हो? म्यू जेड इक्वल्स टू जीरो ही तो प्रूव कर रहे हो. हाँ, तो सेम चीज ही आ गया, सेम चीज ही आ गया. म्यू जेड इक्वल्स टू जीरो हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है? बट इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है वो थोड़ा डिफरेंटली कैलकुलेट होता है. म्यू जेड डिवाइडेड बाय, और हाँ एक बार ये लिख लो, बट आई थिंक आई विल गिव यू अ बेटर अप्रोच. ये होता है, या फिर जो एक्चुअल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम लोग इसके टर्म्स में लेते हैं, दैट लुक्स लाइक म्यू एक्स माइनस म्यू वाई डिवाइडेड बाय. नाउ यहाँ पे आपके पास दो स्टैंडर्ड डिविएशन है, एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन है एंड वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन है, करेक्ट? तो
हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या रिप्लेस किया ध्यान से देखो। आई हैव रिप्लेस्ड म्यू जेड विथ म्यू एक्स माइनस म्यू वाई, ठीक है। सो आई विल रिप्लेस सिग्मा स्क्वायर जेड विच इज वेरियंस ऑफ जेड एज वेल। आई हैव टू रिप्लेस दिस एज वेल। सो हाउ डू यू रिप्लेस दिस वेरियंस ऑफ जेड? आप लोगों ने ये चीज पढ़ा है, वेरियंस ऑफ जेड मतलब आप क्या कर रहे हो, इसका वेरियंस ले रहे हो, विल बी वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ वाई, क्या होगा, माइनस 2 इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। यस, ये हमने पढ़ा था पोर्टफोलियो थ्योरी जब हमने एक बार पढ़ा था वेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स। बस इसको रिप्लेस करना है आपको सिग्मा स्क्वायर। एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर वाई माइनस 2 सिग्मा एक्स वाई, मीनिंग कोवेरियंस लिया है, डिवाइडेड बाय एन। तो ये कोवेरियंस दिया हुआ रहेगा कि निकालना दिया रहे? पड़ेगा? नहीं, दिया रहेगा, यूजली इट विल बी गिवन। हाँ ये अगर लेट्स से सपोज मैं बोलती हूँ, एक चीज ध्यान से सुनो, इसका स्पेशल केस होता है। इफ आई से एक्स एंड वाई आर आई आई डी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स एंड आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट? दैट कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इज जीरो। सो इसका स्पेशल केस कैसा बनेगा, देखो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का। इन दिस केस म्यू एक्स माइनस म्यू वाई तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही, बट दिस विल टर्न एज सिग्मा स्क्वायर एक्स बाय एन एक्स प्लस यू हैव सिग्मा स्क्वायर वाई बाय एन वाई, वेर योर एन एक्स इज नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज एंड एन वाई इज नंबर ऑफ सैंपल साइज ऑफ वाई वैल्यूज। दिस इज अ स्पेशल केस। तो अगर कोवेरियंस नहीं दिया हुआ होगा तो पता चल गया कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, द सेकेंड फॉर्मूला, बिकॉज वी अज्यूम इट इज जीरो। अब एक एग्जाम्पल ले लो क्विकली, कंसिडर टू डिस्ट्रीब्यूशंस, क्विकली टेक वन एग्जाम्पल। कंसिडर टू डिस्ट्रीब्यूशंस दैट मेजर द एवरेज रेनफॉल इन सिटी एक्स एंड सिटी वाई रिस्पेक्टिवली। डेटा कॉपी कर लो। इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालो। तो दीदी एन तो 12 ही लेंगे ना हम लोग? N12 होगा। म्यू एक्स माइन, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ दोबारा, 10 माइनस 14
डिवाइडेड बाय रूट ओवर 14, नहीं सॉरी 4, दैट इज सिग्मा स्क्वायर स्क्वायर लेते हैं, प्लस 6 माइनस 2 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 12. टेल मी द आंसर. एक सेकेंड सॉरी, ये ना कोवेरियंस नहीं है, ये कोरिलेशन है. थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेट कर देती हूँ उसको. कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई है, तो कोरिलेशन से कोवेरियंस कैसे निकालते थे याद है? कोवेरियंस इज कोरिलेशन इनटू सिग्मा एक्स इनटू सिग्मा वाई, याद आया? कोरिलेशन विच इज रो इज कोवेरियंस इनटू, बेसिकली इट इज सिग्मा एक्स वाई, नहीं या फिर हाँ, कोरिलेशन इज कोवेरियंस बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. आपको ये निकालना है, बाकी तीनों गिवन है. ओके, सो दिस विल बी 2 इंटू रूट ऑफ 4 रूट ऑफ 6 इंटू 0.3. टेल मी द फाइनल आंसर नाउ. ऐसे चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं. माइनस 0.5715. 5.21 आ रहा है, ये पूरा रूट के अंदर है. और एक मिनट में ट्राई करता हूँ. अब ओ इसको माय, मैंने -10 ही नहीं किया. ठीक है समझ गई. होगी आप किससे कंपेयर करोगे? दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्रिटिकल वैल्यू. सो लेट्स सपोज योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है? तो अगर नॉट इक्वल टू है तो आप किससे कंपेयर करोगे? लेट्स सपोज योर ऑल्टरनेटिव इज म्यू जेड या फिर म्यू एक्स नॉट इक्वल टू म्यू वाई, विच इज आइडियली राइटिंग इट एज म्यू एक्स माइनस म्यू वाई नॉट इक्वल टू जीरो. सो प्लस माइनस 1.96 उसके बाहर है ये. सो यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड यू से दैट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. एक और मैं दिखा देती हूँ. अगर मैं बोलती हूँ म्यू एक्स ग्रेटर देन म्यू वाई, ये वन साइडेड टेस्ट है, विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंटली राइटिंग ग्रेटर देन जीरो. हाँ, अगेन ह्योर यू कंपेयर विथ प्लस माइनस 1.96, ह्योर यू कंपेयर विथ प्लस प्लस 1.64. अगेन 1.64 से कम ही आ रहे हैं. सो आप एक्सेप्ट कर रहे हो इधर नल हाइपोथेसिस. दूसरा कंडीशन लास्ट, म्यू एक्स लेस देन म्यू वाई, मीनिंग म्यू एक्स माइनस म्यू वाई इज लेस देन जीरो. यहाँ आप क्या ले लोगे? माइनस 1.64 एट 5% लेवल. तो -1.64 के नीचे है, राइट? दिस वैल्यू इज नीचे, जीरो के ऑपोजिट इन द रिजेक्शन रीजन. जस्ट मेक अ ग्राफ, जस्ट मेक दिस एंड चेक. ये आपका -1.64 है, ये आपका -5.2 है ना? तो ये तो लेस, नल ये है. हाँ, यू रिजेक्ट. तो इस केस में यू आर एक्सेप्टिंग नॉट रिजेक्टिंग, एंड यहाँ पे यू आर रिजेक्टिंग, यहाँ पे भी यू आर रिजेक्टिंग. कैन यू टेल मी व्हाई इन दिस केस वी डिड नॉट रिजेक्ट? बिकॉज म्यू, मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज म्यू एक्स ग्रेटर देन म्यू वाई, बट एक्चुअल में म्यू एक्स इज लेस देन म्यू वाई ना, तो ये कैसे रिजेक्ट होगा इसमें नल हाइपोथेसिस?
तो ये टेस्ट करना ही एक तरीके से गलत है. गॉट इट? वन साइडेड एंड टू साइडेड कैसे डील करते हैं इसमें? तो हम लोग लास्ट वाला इसीलिए रिजेक्ट कर, हम लोग नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं और ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट कर रहे एक्सेप्ट हैं. करें. हाँ, रिजेक्ट नल होता है हमेशा, रिजेक्ट नल, रिजेक्ट नल. मैं लिख देती हूँ, एक्सेप्ट नल और रिजेक्ट नल. ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स इजी. जस्ट दैट यू नीड टू गो थ्रू दिस एंड स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज. कल हम लोग इसका एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे. ठीक है. ठीक है. ऑल राइट, चलो, थैंक यू. इसको रिवाइज कर लेना क्लास.